हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। तो इन द लास्ट क्लास ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टुडे वी विल परस्यू विद द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रिज्यूम द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर इन दिस सेशन। और लास्ट क्लास में बेटा मेरे ख्याल से ईएमएफ का लास्ट इक्वेशन तक का पोर्शन हमने कर लिया है। टुडे विल डू द वाइंड अप द चैप्टर एंड डू द सम ऑफ द क्वेश्चंस। एप्लीकेशन ऑफ लास्ट इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। डेल्टा जी की कैलकुलेशन भी आज करेंगे। तो करें बच्चा। यस मैम। एप्लीकेशंस ऑफ द लास्ट इक्वेशन। लेट अस सपोज कि हमने लास्ट इक्वेशन लिखी है इस इक्वेशन के लिए, गैल्वेनिक सेल वाली। जिंक इन द सॉलिड स्टेट प्लस कॉपर 2+ इन द एक्वस फॉर्म। तो बेटा व्हेन दे विल कन्वर्ट, दे विल गिव अस जिंक 2+ इन द एक्वस फॉर्म एंड द कॉपर इन द सॉलिड स्टेट। और जहां जहां पे आयन है ना, वहां वहां पे कुछ कंसेंट्रेशन में खुद से लिख देती हूँ, लाइक 0.001 मोलर यहाँ पे दे दिया और 0.002 मोलर यहाँ पे दे दिया। अब इसके लिए नास्ट इक्वेशन क्या, डाटा आपको आता ही है इसका स्टैंडर्ड। इसके लिए नास्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 by n log of k। अच्छा अभी क्यू सी लिख देती हूँ मैं इसको, फिर उसको k में कन्वर्ट करते हैं। log of प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। बता दिया था ना आपको कि सॉलिड स्टेट में जो स्पीशीज है उनकी कंसंट्रेशन 1 होती है। तो यहाँ पे आएगा कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2+ डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2+ इन द रिएक्शन, वॉट एवर इज गिवन। अब ये आपके पास अभी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं है। लेट अस सपोज कि रिएक्शन में इक्विलिब्रियम है और ये इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन नहीं है, डिफरेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम है, तो इसको ना क्यू सी भी लिख देते हैं, रिएक्शन कोशेंट। ई नॉट माइनस 0.0591 बाय एन एंड लॉग ऑफ क्यू सी, करेक्ट। तो सबसे पहली एप्लीकेशन जो नास्ट इक्वेशन की होगी वो तो होगी कैलकुलेशन ऑफ ई, कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ, ठीक है। और ये ईएमएफ की कैलकुलेशन हमने करी है कुछ क्वेश्चंस में, इस क्वेश्चन में भी करके दिखा देती हूँ आपको। चलो बताओ मुझे ई नॉट की वैल्यू कितनी आती है इस सेल के लिए। 1.1 वोल्ट। 10 ना, ठीक है। जिंक 2+2 जिंक, तो ये डाटा तो सबको याद है, 0.76 माइनस 0.034, उल्टा लिख दिया मैंने, 3-4 पहले आएगा फिर माइनस उधर जाएगा, 0.34 माइनस 0.76 और वो ये आ गया 1.10 वोल्ट, जैसे कि आपने बोला भी है। तो इसको सब्सिट्यूट करो इसमें, E किसके बराबर आ गया, ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 बाय एन की वैल्यू कितनी है, तो लॉग ऑफ जिंक 2+ की कंसंट्रेशन की वैल्यू बोलो, 2 × 10⁻³ बोल सकते हैं इसको, यस और नो। तो बेटा डिवाइडेड बाय इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, कॉपर 2+ की कंसंट्रेशन। कॉपर 2+ की कंसंट्रेशन को 10⁻³ या सिंपली -3 - 3 कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा ई इज इक्वल टू 1.10 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 एंड द लॉग ऑफ 2। लॉग ऑफ 2 की कितनी वैल्यू होती है, 0.30, करेक्ट, 0.3010, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आप कर लोगे तो दिस इज इन द वोल्ट, ये करके बताओ मुझे कितना आता है, तो ईएमएफ का कैलकुलेशन आता है। आप इसे करो, तब तक मैं नेक्स्ट एप्लीकेशन लेती हूँ।
तो ये तो फर्स्ट एप्लीकेशन आ गई, दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ द ईएमएफ ऑफ द सेल. नाउ द सेकंड एप्लीकेशन इज कि आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम बोलते हैं एसी, ठीक है. तो ये आपके पास आ जाएगा E is equal to E naught, इसी सेल के लिए लिख देते हैं, -0.0591 by N log of QC था हमारे पास, ठीक है. अब आप मुझे बताओ बेटा कि एट इक्विलिब्रियम कौन सी थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी वैनिश हो जाती है, जीरो हो जाती है, बताओ. थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ा क्या बेटा? डेल्टा जी. आप इसकी आंसर बता रहे हो? नो मैम, डेल्टा जी. डेल्टा जी, अच्छा अच्छा क्लियरली ना सुनाई नहीं दे रहा था, बिल्कुल सही. डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो हो जाता है. और डेल्टा जी का रिलेशनशिप क्या होता है? एन एफ ई नॉट ऑफ सेल होता है माइनस में, माइनस ऑफ एन एफ ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू जीरो. इससे आपके पास ई नॉट ऑफ सेल, अच्छा नॉट नहीं आएगा है ना, ई सेल की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी ना, ठीक है जी, सही है बेटा. yes, चलो तो ये E नॉट ऑफ सेल की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देते हैं, इसको B लिख लेते हैं, इसको A लिख लेते हैं. तो कह देते हैं हम यूजिंग B इन A, तो आपके पास इक्वेशन क्या ठहरेगी? E सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 बाय एन एंड लॉग ऑफ क्यू सी. तो बच्चा जी एट द इक्विलिब्रियम एक तो आपका जीरो हो जाएगा ई सेल, है ना. दूसरा जो क्यू सेल है वो किसको अप्रोच करेगा? के सी को, क्यू सी. तो ये जीरो हो गया, ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 बाय एन और log ऑफ QC की जगह पे KC आ गया. अब इसको इधर शिफ्ट करो, माइनस ऑफ E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.0591 बाय N log ऑफ KC. तो इसमें से ये कैंसल आउट हो जाएंगे दोनों नेगेटिव, तो log ऑफ KC की वैल्यू क्या आ जाएगी? N इंटू E नॉट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय 0.0591. So this is the answer of log of KC, and if you want to go for the KC, then this will be equal to 10 raised to power, because this is a log to the base 10, and when you will shift over to the other side, that will become 10 raised to power N E naught of cell, N E naught of cell divided by 0.0591, correct? तो ये सेकेंड एप्लीकेशन हो गई कि आप KC कैलकुलेट कर सकते हो इससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. मैं प्रीवियस स्लाइड पे ना, अच्छा लीजिए जी प्रीवियस स्लाइड. डेल्टा जी जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा जी का आंसर माइनस एन एफ ई सेल जीरो हो जाएगा. ई सेल को जीरो रखोगे तो आप क्यूसी की जगह पे केसी सब्स्टिट्यूट करके आंसर दे दोगे. डन. यहाँ पे किसी ने सॉल्व आउट किया? बताओ मुझे इफ एनीबडी हैज डन क्वेश्चन मार्क को फिल कर. टेंटेटिवली 1.09 मतलब थोड़ा सा कम आएगी. चलो 1.09 अप्रोक्सीमेटली करके लिख देते हैं ना, 1.09 कुछ ऐसा करके. एनी हाउ चलो ये भी कर दूं शिफ्ट, इसमें से कुछ चाहिए? चलो फिर थर्ड एप्लीकेशन पे आ जाओ. थर्ड एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ द स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट. कैलकुलेशन ऑफ, ये है सेम ही है, बस थोड़ा सा इसमें डिफाइन करना पड़ेगा इसको, रेस्ट यू नो. कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट. बताओ बेटा आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा हुआ है कि स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट क्या होता है, जल्दी से. पढ़ाया था कभी आने की इक्विलिब्रियम में कोई ऐसा सॉल्ट जो पानी में
पूरी तरह से नहीं घुलता है, जैसे घोलते हो आप उससे नीचे बैठ जाता है, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होता है कि एक इक्लिबियम स्टेब्लिश हो जाता है, जितने आयन्स इसके डिसोसिएट हो गए और जो अनआयोनाइज सॉल्ट है इनके बीच में एक इक्लिबियम स्टेब्लिश हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज अ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। आपने देखा भी तो होगा लैब में, कभी आप टेस्ट ट्यूब में अगर कोई सॉल्ट डालते हो उसे शेक करते हो, शेक करने पे हल्का सा उसमें अपीयर होती है टर्बीनेस सी, क्लाउडीनेस अगर वाइट सॉल्ट है तो, और उसके बाद सारा नीचे बैठ जाता है, तो दैट इज अ स्पेरिंगली सोल्यूबल। तो स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट में एक इक्लिबियम आ जाएगा सॉल्ट के आयंस में, और जो आपका अनआयोनाइज्ड सॉल्ट है उसमें। अब इसके लिए जब आप इक्लिबियम कॉन्स्टेंट लिखते हो, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी बिकॉज हमने केमिकल इक्लिबियम इस टॉपिक को कर लिया है। इसमें के एस पी की वैल्यू क्या आएगी, इसमें के एस पी की वैल्यू आएगी कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी एल नेगेटिव, दिस इज द वैल्यू ऑफ के एस पी, एंड के एस पी हेयर इज कॉल्ड एज अ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो ये भी कहानी बिल्कुल सेम ही है, क्योंकि इक्लिबियम एस्टेब्लिश हो गया तो इसमें भी तो ई सेल जीरो होगा, तो अगर हम इस सेल के लिए नास्ट इक्वेशन अप्लाई करें ना इस इक्वेशन पे। हाँ, इसमें आपको एक और चीज भी बतानी है, आज जो भी मुझे बताना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, आई विल वाइंड अप जितने तक भी जेई का क्वेश्चन अप्रोच कर सकता है, उसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से। एनीबडी विल रिमाइंड मी कि इसका सेल रिप्रेजेंटेशन बता दो, एनीबडी इन द क्लास, जब मैं ये एप्लीकेशंस कवर अप कर लूंगी ना, तो एनीबडी विल रिमाइंड मी कि मैम इसकी ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल बता दो, ये थोड़ी सी डिफरेंट है। अच्छा चलो, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे जाएगा इसका, ये नास्ट इक्वेशन पहले, तो ई इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 बाय एन लॉग ऑफ क्यू सी, ये होता है ना। तो अब इसमें भी इक्विलिब्रियम आ गया तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैम ई सेल 0 हो जाएगा। यस, व्हाइट कलर से इसी शीट पे कर देते हैं, हमें चाहिए होगा एक्सप्रेशन। तो बच्चा जी ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल में, पहले तो ई सेल को रख दो 0, ई सेल को रख देते हैं 0 इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591। बच्चा इसमें इलेक्ट्रॉन का चेंज है 1, एंड देन इज द लॉग ऑफ कंसंट्रेशन, और क्यूसी की जगह पे लिख देते हैं केसी, केसी यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, या के एस पी कर दो इसको, ठीक है। तो ये ई नॉट ऑफ सेल को इधर ले आओ, माइनस ऑफ ई नॉट ऑफ सेल माइनस ऑफ 0.0591 बाय 1 लॉग ऑफ के एस पी, तो एग्जैक्टली पिछले वाला पोर्शन ही बन जाएगा, बट वहां पे इसको केसी बोला था, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोलोगे, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आ जाएगा तुम्हारा ई नॉट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय 0.0591, और यहाँ पे लॉग का बन जाएगा 10^5। अब यहाँ पे के एस पी आ गया, पर इससे भी वन स्टेप आगे की कैलकुलेशन पूछ लेता है वो, कैसे। अब अगर ये स्टार्टिंग में 1 था तो ये दोनों 0 0 थे, जब इसकी सॉल्युबिलिटी एस ग्राम पर लीटर है मान लो, है ना, इतना ये मतलब डिजोल्व हो गया, तो जितनी इसकी सॉल्युबिलिटी होगी, सॉल्युबिलिटी इसकी बहुत कम है, तो इतने ही तो ये आयन फॉर्म होंगे ना, तो ये बाद में 1 - s बस बच गया जो अप्रोक्सीमेटली 1 के ही बराबर है, और ये दोनों एस एस अमाउंट में आ गए, तो जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है ना एक्चुअली इस केस में एस स्क्वायर आता है, ठीक है। तो लेट्स चेक आउट कि इसको कैसे करेंगे। तो आपने कैलकुलेट तो कर लिया के एस पी, मान लो के एस पी की कैलकुलेशन आपकी कुछ आ गई 10^5, व्हाट वाज दैट, 10^5 ई नॉट ऑफ सेल अपॉन 0.0591, ई नॉट ऑफ सेल अपॉन 0.0591, और यहां से आपका कुछ आंसर आ गया एक्स वॉट एवर इज, और आपसे वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट नहीं पूछ रहा, आपसे अगर उसने क्वेश्चन में पूछा सॉल्युबिलिटी बताओ, ठीक है, ये तो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और उसने सॉल्युबिलिटी पूछा, तो आपको लगाना पड़ेगा फॉर्मूला के एस पी इज इक्वल टू एस इन टू एस,
दैट इज इक्वल टू एक्स, तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो एस की वैल्यू आप निकालोगे रूट ऑफ एक्स। अब भी आपका आया सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर, पर उसने आपसे ये भी नहीं पूछा, उसने आपसे पूछा कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर बताओ। तो कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर क्या आएगी, कंसंट्रेशन का क्या फार्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, मोल पर लीटर होता है कि नहीं कंसंट्रेशन? यस। पर ये क्या मोल पर लीटर है, ये क्या है, ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे इसको, ग्राम पर लीटर को मोल पर लीटर में कैसे बदलना है, मोलर मास से डिवाइड कर देना, ठीक है? तो वो आपके पास ग्राम गिवन मास बाय मोलर मास बन जाएगा आपका मोल, और पर लीटर आ जाएगा। तो पेपर में बहुत ध्यान से करना है कि वो सिर्फ आपसे केएसपी पूछ रहा है या ग्राम पर लीटर में आंसर पूछ रहा है या मोल पर लीटर में आंसर पूछ रहा है। तो ग्राम पर लीटर में पूछे तो एस निकाल देना, मोल पर लीटर में पूछे तो जो आपने एस कैलकुलेट किया था उसको मोलर मास से भी डिवाइड करना। अगर सिल्वर क्लोराइड का पूछ रहा है तो सिल्वर और क्लोराइड दोनों का मास लेके ऐड करना, अदरवाइज सिल्वर का सिर्फ 108 से ही डिवाइड कर देना। और यहां तक का क्वेश्चन लग चुका है, ठीक है जी? ओके। चलिए उसके बाद है आपका, दैट वाज एप्लीकेशन नंबर 3। फर्स्ट इज ई कैलकुलेशन, सेकंड इज के सी कैलकुलेशन, थर्ड इज के एस पी, फोर्थ कैलकुलेशन ऑफ द या डिटरमिनिंग द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, डिटरमिनिंग द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन फिजिबल है या नहीं उसको कैसे चेक करोगे, रिएक्शन की फिजिबिलिटी को चेक करने के लिए क्या रूल आप अडॉप्ट करते हो, कैसे करते हो? आप देखो यहां से कैलकुलेट करो डेल्टा जी नॉट। देखो फिजिबिलिटी हमेशा डेल्टा जी नॉट देता है, डेल्टा जी नहीं देता। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन एफ ई नॉट ऑफ सेल आता है। तो आपके पास जो भी रिएक्शन होगा उसके लिए पहले ई नॉट ऑफ सेल की कैलकुलेशन करो। वैसे तो इससे दोनों दोनों फैक्टर इसमें काम आएंगे आपके, या तो ई नॉट ऑफ सेल ही कैलकुलेट कर लिया आपने, पॉजिटिव है तो भी लिख सकते हो रिएक्शन फिजिबल है, या आपने डेल्टा जी नॉट ऑफ सेल इसमें पॉजिटिव पुट करोगे तो वो नेगेटिव आया, तब भी देख सकते हो कि रिएक्शन फिजिबल है या स्पॉन्टेनियस है। इसमें फिजिबिलिटी का ना एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है, जैसे वो कई बार ऐसे बोल देता है कि कैन कॉपर रोड बी प्लेस्ड इन द वेसल मेड अप ऑफ सिल्वर, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है फिजिबिलिटी से रिलेटेड, मेड अप ऑफ सिल्वर। अब ये क्या मतलब है इसका, वो कह रहा है कि देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड एनोड तो होता है, दो हाफ सेल्स तो होते हैं, पर क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि कॉपर की रोड को प्लेस कर लें सिल्वर के वेसल में, क्या वहां पे ये फिजिबल होगा? तो ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के डाटा से ही रिलेटेड है। देखो कॉपर के लिए डाटा क्या होता है बच्चा, कॉपर 2+2 कॉपर की वैल्यू होती है 0.34 वोल्ट, ठीक है? सिल्वर के लिए डाटा क्या होता है, ई नॉट ऑफ Ag+2 Ag का डाटा होता है 0.80 वोल्ट। देखो वैसे 90% तो पेपर में दिया हुआ रहता है डाटा, आपको कोई लर्न करने की रिक्वायरमेंट है नहीं है। आजकल जेई में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा जिसमें बहुत क्रैम करवा रहा हो, कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए। तो ये देखो अब ये दोनों में से इस वाले पोर्शन की होगी रिडक्शन, इसकी क्या होगी ऑक्सीडेशन। अब क्या होता है कि जब आपने हाफ सेल्स पढ़े थे फर्स्ट क्लास में, तो जहां पे ऑक्सीडेशन होता है वहां पे रोड हो जाती है डीकम्पोज, डिटेरियोरेट, उसका वेट लूज हो जाता है। और रिडक्शन क्या होती है, जहां पे प्लेटिंग चढ़ जाती है। अब आप खुद सोचो कि अगर आपके सिल्वर की वेसल बनाई है, सिल्वर की वेसल, ये देखो ये वेसल किसकी है, सिल्वर की, और इसमें रखा है किसका रोड, कॉपर का रोड, तो ये डिटेरियोरेट हो जाएगा और सिल्वर जो है उस पर प्लेटिंग चढ़ती रहेगी, तो इट कैन बी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना ध्यान में रखना है कि जिस चीज का वेसल बनाना है ना उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होनी चाहिए, वेसल शुड नॉट
गेट ऑक्सीडाइज्ड, जिसमें प्लेस करना है उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होनी चाहिए, तो इसका आंसर तो आएगा यस, मतलब ये फिजिबल है। अगर इससे अपोजिट क्वेश्चन पूछा होता ना कि जैसे सिल्वर को कॉपर की रोड में प्लेस कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिल्वर की क्या हो जाएगी उसके इसमें रिडक्शन, और कॉपर की क्या हो जाएगी ऑक्सीडेशन, तो कॉपर की ऑक्सीडेशन होगी, तो जिस चीज का वेसल बना रहे हो, बर्तन बह बना रहे हो, वही आपका डिटेरियोरेट हो रहा है, तो सोल्यूशन बह जाएगा भाई, ठीक है ना, तब नहीं ये एक्ट करेगा, तब रिएक्शन फिजिबल नहीं है। तो स्पॉन्टेनिटी का क्वेश्चन डाटा से भी आ सकता है या स्पॉन्ट। हाँ एक थर्ड क्वेश्चन और बताती हूँ टाइप कैसी आती है, तो एक तो सीधा डेल्टा जी नोट या ई नोट से ले लो, पूछेगा ये दो डाटा है इसमें से ये जो रिएक्शन लिखा हुआ फिजिबल है या नहीं है, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, वो अपना सेल बना के देता है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड रिप्रेजेंट करता है, तो जो उसने रिप्रेजेंट किया हुआ है उसी हिसाब से आपको मान के ई नोट ऑफ सेल निकालना, खुद नहीं रिएक्शन सीधा कर देना ये तो फिजिबल नहीं है हम कर दें, नो। आपको जैसी सेल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है उसी हिसाब से आपको सॉल्व करना, और अगर ई नॉट नेगेटिव आता है तो उसको नॉन स्पॉन्टेनियस नॉट फिजिबल लिख दो, पॉजिटिव आता है तो आप उसको फिजिबल लिख दो, या फिर वेसल वाला क्वेश्चन आता है तो इस तरह से कर लो। तो ये क्लियर है, बाकी इसी में कवर अप हो गया कि डेल्टा जी नॉट जो है वो भी आपका कैलकुलेट हो सकता है इसमें से। चलो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशन करवा दी थी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताई थी कि नहीं बताई थी? यस यस या नो बेटा? मैं नहीं करवाई थी। चलो ठीक है, मैंने एक क्लास मिस भी की थी, इसको मुझे पता नहीं पक्का। मेरे ख्याल से मैं आपको नहीं करवाई है शायद, आपकी लास्ट कैलकुलेशन में लास्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल हुए थे। एक बार बता देती हूँ क्योंकि इसमें से एक दो पॉइंट हैं, अगर आते हुए तो पता लग जाएगा आपको। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सीरीज शायद बता दी हुई है, इसकी एप्लीकेशन नहीं करवाई है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है, चलो कोई बात नहीं, एक एक लाइन ही है देख लो। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, यानी कि जितने भी आपके एलिमेंट हैं उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू का अगर लिख लिया जाए तो एक अरेंजमेंट है। एनसीईआरटी उठा के देखोगे तो वहां पे सीरीज बनी हुई है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को बनाया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, इसका जो बेस रखा हुआ है ना वो हाइड्रोजन है, तो ई नॉट ऑफ एच प्लस टू एच टू वैल्यू जो होती है ना वो जीरो होती है, इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं। मतलब सारे पोटेंशियल जो कैलकुलेट किए हुए हैं दैट आर विद रिस्पेक्ट टू द हाइड्रोजन ओनली, ठीक है, हाइड्रोजन के विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेट किए हुए हैं। अगर इसमें हाइड्रोजन को छोड़ के किसी और के विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेट करते तो आंसर कुछ और होते, उस टाइम अगर कार्बन को ले लिया होता तो कार्बन होता, उसने हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड माना था तो इसको जीरो मान लिया हुआ। तो जो तो मेटल्स हैं अबव द हाइड्रोजन उनके लिए तो ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है नेगेटिव, ठीक है, और सेंटर में हो गया आपका हाइड्रोजन ऐसे, इसको हाफ ऑफ हाइड्रोजन लिख लो, बैलेंस आउट हो जाएगा, ये जीरो है। और इसके नीचे जो है मेटल्स कह लो या नॉन मेटल्स कह लो उसके लिए वैल्यू है पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें क्या क्या एप्लीकेशंस है, क्या क्या फायदे हैं इसके, फटाफट से हो जाएगा क्योंकि अब आपको सेल बनाना आ गया है। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अच्छा अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि किसकी ऑक्सीडेशन होगी किसकी रिडक्शन होगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से तो कैसे पता लगाएंगे? मैम जिसके लॉस होंगे इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन होगी। आपका ना वॉइस बहुत लो है, सुनाई नहीं दे रहे हैं। मैम जिसके लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऑक्सीडेशन होगा रिडक्शन? ऐसा नहीं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन ये तो हमें सीरीज में पोजीशन के बेस पे पूछ रही हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जैसे रखी हुई है उसके बेस पे कैसे पता लगाओगे कि किसकी ऑक्सीडेशन होगी किसकी रिडक्शन होगी। मान लो मुझे सेल बनाना है,
और दो एलिमेंट्स को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में से उठाना है, तो अच्छा सेल बनाने के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, किसको कैथोड पे किसको एनोड पे ले जाना है, वो वाली बात पूछ रही हूँ जो आपको बोला था ना, एक वर्किंग मेथड इसका याद कर लो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखो, मेटल्स प्लेस्ड हाई, मेटल प्लेस्ड हाई, हाई का भी तुम गलत मीनिंग ना समझ लो तो इसको टॉप बॉटम कर लेते हैं, ऐसा ना लगे कि हाई वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल है। मेटल प्लेस्ड एट द टॉप विद द हाई वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, विद द हाई वैल्यू ऑफ ऊपर वाली की तो लो होगी ना, विद द लो वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, वो कहां पे रखोगे भाई, एनोड पे, ठीक है। और मेटल्स प्लेस्ड बिलो द हाइड्रोजन विद द हायर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, वो कहां पे जाएंगी। कैथोड। हाँ जी, कैथोड। तो मैं एक ही तो बात करनी है यहाँ पे, हर पूरे चैप्टर में एक ही बात पे ध्यान देना है, जिसका हायर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू उसको कैथोड पे भेजो, जिसका कम रिडक्शन पोटेंशियल है उसको एनोड पे भेजो। अब कम या ज्यादा कैसे चेक करोगे, तो जो टॉप वाली मेटल्स होंगी जो हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट है, पहले आती हैं नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वाली, उनको एनोड पे भेजो, और जो बॉटम पे आती है हाइड्रोजन से डाउनवर्ड आती है तो उनको कैथोड पे भेजो। तो अगर तो तुमने सेल ऐसे बनाया कि टॉप वाली मेटल को एनोड पे और बॉटम वाली मेटल को कैथोड पे, तब तो आपका सेल सही वर्क करेगा, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, मतलब वर्किंग उसकी फिजिबल रिएक्शन देती है। अगर आपने अपोजिट कर दिया कि हाइड्रोजन के ऊपर वाली मेटल से बना दिया कैथोड और नीचे वाली मेटल से बना दिया एनोड, तो वो कॉम्बिनेशन नॉट फिजिबल रिएक्शन देगा और आपको पेपर में ई नॉट ऑफ सेल का आंसर नेगेटिव आएगा। इज दैट क्लियर बेटा। चलिए सेकेंड पॉइंट, कंपेयरिंग द कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, दो सेल्स की ईएमएफ कंपेयर कैसे करोगे। आप बोलोगे दोनों को माइनस करके कर लो, बिल्कुल माइनस करके कर लेंगे, पर मैं तो सीरीज के बेस पे पूछ रही हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेस पे कैसे करोगे। देखो, द सेल इन विच टू मेटल्स टेकन आर वाइडली सेपरेटेड इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वाइडली सेपरेटेड इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज गिव मोर ईएमएफ देन द मेटल्स विच आर क्लोजली सेपरेटेड। समझ में आई बात या नहीं? नहीं समझ में आई तो ऐसे देखो, अब सिंपल देखो, ए बी सी डी ये चार मेटल हैं हाइड्रोजन के ऊपर, ई एफ जी एच ये चार मेटल है हाइड्रोजन के नीचे, इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, इसकी वैल्यू +1 है, +2 है, +3 है, +4 है। अब मैंने दो सेल बनाए, एक सेल का नाम रखा मैंने के सेल, एक सेल का नाम रखा मैंने एल सेल। के सेल बनाया मैंने बी और जी से, बी और जी से, ठीक है, और एल सेल बनाया मैंने डी और ई से। किस वाला, कौन वाला सेल बेटर है, किस वाले सेल से ज्यादा ईएमएफ आएगी, के वाले सेल की भी ईएमएफ बताओ और मुझे सारे रिडक्शन पोटेंशियल है इस वाले सेल की भी ईएमएफ बताओ, के वाले सेल की ईएमएफ क्या आएगी, कैसे, 6 -6 3 -3 शाबाश। एल वाले सेल की आंसर कैसे आएगी, 1 -1 यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड -रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ना, मतलब 2 आया ना, यस तो मैम। के
किस सेल की ईएमएफ ज्यादा आई, जहां पे मैंने मेटल्स ली ज्यादा डिफरेंस वाली, ज्यादा वाइडली सेपरेटेड। अगर मैं मेटल्स लू कम सेपरेशन वाली तो उसमें ईएमएफ कम आएगा, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो लिखी हुई है सीधी सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो ये है इस लिखने का मतलब कि अगर आप कोई मेटल बना रहे हो, एक अगर आप कोई सेल बना रहे हो दो ऐसी मेटल से जो ज्यादा सेपरेटेड है, वाइडली सेपरेटेड का मतलब है लार्ज गैप बिटवीन द टू, दैट इज कॉल्ड एज अ गुड सेल। उसमें ईएमएफ ज्यादा अच्छे से जनरेट होगी, अदरवाइज ईएमएफ कम होगी। और ये एक बात और, जितने भी सेल बनाओगे इसमें ऊपर वाली मेटल्स को क्या लोगे, एनोड, और ये वाले सबको क्या लोगे, कैथोड। हाँ ये बात अलग है कि अगर इनमें से ही कैथोड एनोड है और इनमें से ही कैथोड एनोड है तो फिर ऊपर वाली हमेशा एनोड जाएगी और डाउनवर्ड वाली हमेशा कैथोड जाएगी। तो सेकंड पॉइंट भी क्लियर है कि कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ द टू सेल्स कैसे होगा इससे। थर्ड पॉइंट, यस ठीक है बेटा, थर्ड पॉइंट है डिटरमिन विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, विच इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, ये भी बहुत आसान है। जो भी आपकी टॉप मेटल्स होंगी उनकी क्या, वो एनोड पे जाएंगी ना, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन, तो वो क्या एक्ट करेंगी, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एनसीईआरटी उठा के देखना, एंड वाले क्वेश्चंस में जो बैक एक्सरसाइजेस है ना उनमें रिड्यूसिंग पावर और ऑक्सीडाइजिंग पावर के ऑर्डर लिखवाए हुए हैं उसने। रिड्यूसिंग पावर मतलब कितनी ज्यादा टेंडेंसी है उसके दूसरे को रिड्यूस करने की, तो वो आपको पोजीशन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेस पे या डाटा दिया होगा, उन डाटा में से देख लेना कि कौन सा, देखो रिड्यूसिंग एजेंट कौन एक्ट करेगा, जो खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। यस तो जो खुद ऑक्सीडाइज होगा उसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होनी चाहिए, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इस हिसाब से भी चेक करवाया हुआ उन्होंने। और जितनी भी आपकी बॉटम मेटल्स हैं वो कहाँ पे जाएंगी, कैथोड, कैथोड पे जाएंगी, तो उनकी क्या होगी, रिडक्शन, और क्या एक्ट करेंगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें एक एक ये भी पॉइंट लिख लो कि ये वाली जो मेटल है एनोड पे जो जाएंगी इनका लोअर रिडक्शन पोटेंशियल होगा, तो जिनका लोअर रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो एक्ट करेंगी रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगी और दूसरे को रिड्यूस करेंगी। जिनका हायर रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो खुद होंगी रिडक्शन और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगी, ठीक है। तो ये तीन पॉइंट हो गए आपके, फोर्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टू डिटरमिन वेदर मेटल विल लिबरेट हाइड्रोजन और नॉट, मेटल विल लिबरेट हाइड्रोजन और नॉट। ये कैसे चेक करेंगे कि मेटल में से हाइड्रोजन लिबरेट होगी या नहीं होगी, ये भी बहुत आसान है। मैं दो एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे ई नॉट ऑफ जिंक 2+2 जिंक हमारे पास है 0.76 माइनस में, -0.76, और इसके साथ ले लिया हाइड्रोजन, ठीक है, ये जीरो। हाँ जी बताओ, को इसकी ऑक्सीडेशन किसकी रिडक्शन, इसकी वैल्यू हाई है तो ये रिडक्शन होगा, इसकी वैल्यू लो है तो ये ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखवाओ, बोलो भाई जल्दी, ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्या होगा, जिंक जिंक गिव्स जिंक 2+ इन द एक्वस फॉर्म +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये सॉल्व ले ले लो। और रिडक्शन हाफ सेल क्या होगा, H++1 इलेक्ट्रॉन गिव्स द हाफ ऑफ हाइड्रोजन, ये एक्वस फॉर्म में होगा और ये गैसियस फॉर्म में होगा। दोनों को कंबाइन कर लो जरा, क्या बनेगा, दोनों को कंबाइन करने पे बनेगा जिंक इन द सॉलिड स्टेट प्लस H+ इन द एक्वस फॉर्म, दैट इज गिविंग अस जिंक 2+ इन द एक्वस फॉर्म प्लस हाफ ऑफ हाइड्रोजन इन द गैशियस फॉर्म। तो इसका मतलब है हाइड्रोजन लिबरेशन हो रहा है या नहीं,
हाइड्रोजन लिबरेशन टेक्स प्लेस, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन लिबरेट हुआ। लिबरेट हुआ मतलब प्रोडक्ट साइड आया। अब आ जाओ अपोजिट साइड, अपोजिट साइड क्या आ जाएगी, दूसरा सेल। अब कॉपर से कर लो, कॉपर 2+2, कॉपर का डाटा है +0.34 वोल्ट, और ई नॉट ऑफ H+2 हाफ ऑफ हाइड्रोजन का डाटा है 0। इन दोनों को कंपेयर करो तो अब क्या होगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अब ऑक्सीडेशन हाफ सेल होगा ये, यानी कि हाफ ऑफ हाइड्रोजन विल गिव अस द H+ इन द एक्वस फॉर्म प्लस इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन हाफ सेल क्या होगा, कॉपर 2++2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर। सेटल कर सकते हो इसको, 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाली इक्वेशन को, वो भी सारा 2 हो जाएगा। टू इलेक्ट्रॉन, टू इलेक्ट्रॉन कैंसल हो जाएंगे, सेल क्या बनेगा, हाइड्रोजन इन द गैसियस स्टेट प्लस कॉपर 2+, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, गिव्स 2H+ कॉपर इन द सॉलिड स्टेट। अब आप बताओ कि इसमें हाइड्रोजन लिबरेशन हो रहा है, इसमें नो हाइड्रोजन लिबरेशन। तो हाइड्रोजन लिबरेशन कहाँ होता है, कहाँ नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल से किससे कैसे पता लगेगा, जो भी मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट है, हाइड्रोजन से पहले प्रेजेंट है, जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है, जैसे कि जिंक था, जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव थी, तो वहां पे हाइड्रोजन लिबरेशन होता है। जो भी मेटल हाइड्रोजन से बिलो प्रेजेंट है, जिनकी एक्चुअली में रिडक्शन होती है इन कंपेरिजन टू द हाइड्रोजन, तो वहां पे आपके पास हाइड्रोजन लिबरेशन नहीं होता है। तो क्या लिखोगे इक्वेशन में, द मेटल्स प्लेस्ड अबव द हाइड्रोजन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज with the negative reduction potential value, with the negative reduction potential value, liberate the hydrogen, whereas the metals placed below the hydrogen with the positive reduction potential value won't liberate the hydrogen, ठीक है, ये याद रखना है। हाइड्रोजन से नीचे जो मेटल प्रेजेंट है उनमें हाइड्रोजन लिबरेशन नहीं होगा, ऊपर वाली मेटल में हाइड्रोजन लिबरेट होगी। So this is all about the applications of the electrochemical series and the applications of the Nernst equation. Application भी पूछेगा भाई वहां पे, वो इसके reasoning question पूछेगा, मतलब इसमें से numerical भी आपको आ सकता है। Is that clear? अच्छा, एक इसमें आपको मैं बता देती हूँ कि डेल्टा जी के calculations कैसे आती है, ये भी numerical important है। Calculations based on डेल्टा जी नॉट, ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक। देखो एक तो इसका सिंपल न्यूमेरिकल है जो आपको आता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन एफ ई नॉट ऑफ सेल होता है। इसमें से जहां ट्विस्ट लगेगा वो ये है कि एन चेक कर लेना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट दोनों इक्वेशन में सेम होने चाहिए। अगर ऑक्सीडेशन में 2 है, रिडक्शन में 3 है, तो 2 वाली को 3 से, 3 वाली को 2 से मल्टीप्लाई करके उसको 6 कर लेना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे और अपने आप आपके पास आंसर सही आएगा। और अगर आपने 2 या 3 से क्वेश्चन कर दिया तो गलत आ जाएगा। एफ की वैल्यू क्या बताई थी, 96500 कूलम पर मोल, ठीक है। ई नॉट ऑफ सेल, तो फिर इसका ज्ञान तो बहुत दे चुके हैं चैप्टर में, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ऑल द डाटा शुड बी इन द रिडक्शन पोटेंशियल फॉर्म, तो ये आप कैलकुलेट कर लोगे। तो ये आंसर जो आता है ना आपका जूल में आता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम ऑप्शन किलो जूल में होती है पेपर में,
तो आप चेक कर लेना कि जूल किलो जूल क्या पूछा हुआ है, उस हिसाब से आंसर दे देना। सेकेंड इसका न्यूमेरिकल कैसे आता है कि ऐसा कुछ दिया होगा लाइक लेट अस सपोज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हें, ये मैं अपने से लिख रही हूँ डाटा, ठीक है। ई नॉट ऑफ कुछ कॉपर 2+2 कॉपर प्लस कैलकुलेट करना है, ठीक है। और कुछ ऐसा दिया हुआ है पेपर में कि फॉर एग्जाम्पल कर देते हैं इसको, ई नॉट ऑफ कुछ कॉपर 2+2 कॉपर प्लस दिया है 0.26। ये मैंने अपने से ले लिया डाटा कुछ, ठीक है, अदरवाइज आपको पेपर में दिया होगा जो भी है, 2.6 ले लिया, चलो ठीक है। और ई नॉट ऑफ कॉपर प्लस कर देते हैं और क्वेश्चन में पूछ लेते हैं तुमसे, कॉपर 2+ से प्लस का पूछ लेते हैं, 2+2 0, तो ये हो गया 0.34 वोल्ट और कॉपर प्लस 1+2 कॉपर, ये हो गया 0.26, ऐसा कुछ भी दिया हुआ है एबीसीडी। और इससे आपको ये इक्वेशन कैलकुलेट करनी है, तो कैसे करोगे इस इक्वेशन की कैलकुलेशन, मैथमेटिकली सॉल्व करोगे ना, इससे इक्वेशन बनाओगे। पहली इक्वेशन ऐसे लिखोगे, कॉपर 2++2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर। दूसरी इक्वेशन लिखोगे, कॉपर ++1 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर। अब तुम्हें चाहिए क्या बच्चा, कॉपर 2++ इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर प्लस, तो यानी कि कॉपर प्लस तुम्हें राइट हैंड साइड पे चाहिए ना, यस और नो? यस। तो ई नॉट यहाँ पे दिया हुआ है +0.34 वोल्ट, यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू दी हुई है +0.26 वोल्ट, तुम्हें चाहिए ये राइट हैंड साइड पे, तुम इसको रिवर्स कर लोगे या कह लो कि इसमें से माइनस कर दोगे, ठीक है। तो इक्वेशन में ये और ये तो तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा ही बन जाएगा, कॉपर 2+ और प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर प्लस, ऐसा ही बन जाएगा इक्वेशन, तो बना लोगे ना। अच्छा, अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैलकुलेशन में दिक्कत है। अगर तो आपको लगता है कि ई को भी वैसे ही प्लस एंड माइनस कर सकते हैं जैसे हमने इक्वेशन को किया, तो आप गलत हो। आपका आंसर बहुत रेयर चांसेस में सही आएगा जहां पे एक इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन। अब क्या करोगे, पहले वाली इक्वेशन में से जो आपके पास ई नॉट है ना, उसके लिए निकाल लोगे डेल्टा जी वन नॉट। डेल्टा जी वन नॉट क्या हो जाएगा बच्चा, डेल्टा जी वन नॉट हो जाएगा माइनस ऑफ एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। अब माइनस ऑफ एन में एन कितना था, 2 -2 एफ, और E1 कितना था 0.34 वोल्ट, यानी कि तुम्हारा डेल्टा जी वन नॉट की वैल्यू आ गई है -0.68 एफ, ठीक है, ये G1 आ गया। दूसरी इक्वेशन को तुमने रिवर्स किया था, रिवर्स किया था तो तुम्हारा E0 of 2 आ जाएगा -0.26, ठीक है। रिवर्स करने पे डेल्टा G0 2 तुम्हारा आया था -NFe2 of cell, ठीक है। अब देखो n इस इक्वेशन में 1 है, तो ये -1 × f × e2 of cell आ जाएगा -0.26, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.26 f, तो ये आ गया तुम्हारा डेल्टा G0 2 प्लस 0.26 f। अब मैंने ना इसको पहले ही माइनस कर दिया, तो अब मैं नेट इसको इक्वेशन में ऐड करूंगी, मेरी बात समझ में आ रही है। मैंने पहले ही इसको रिवर्स कर दिया, ये रिवर्स करके डाटा लिखा था ना, मैंने माइनस कर दिया इसका डाटा। अब G1 और G2 को ऐड करो, तो डेल्टा G3 पहले कितना आएगा, डेल्टा G3 इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग आएगा -NFe3 नॉट ऑफ सेल, ठीक है।
अब माइनस एन कितना है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है ना अब, तो माइनस ऑफ 1 इंटू एफ इंटू ई3 नॉट ऑफ सेल। तो आपको इसको कंपेयर करना है, मतलब आपको कुछ ऐसा करना है, डेल्टा G1 नॉट इज इक्वल टू डेल्टा G2 नॉट प्लस, अच्छा 3 निकालना है ना हमें। मेरे कहने का मतलब है कि कैलकुलेशन G से जाएगी E के लिए भी, ठीक है। मुझे अगली स्लाइड चाहिए, तो हम अगली स्लाइड पे ही जाते हैं, कैलकुलेशन यहाँ से देख लेंगे। यानी कि अगली स्लाइड पे आपका आ जाएगा डेल्टा G3 नॉट इज इक्वल टू डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट। अब डेल्टा G1 G2 की वैल्यू क्या थी, G1 की थी -0.68F और 0.26F, -0.68F और +0.26F, और इसका आंसर कितना था, इसका आंसर था -FE0 ऑफ सेल। तो ये आ गया माइनस ऑफ एफ ई 3 नॉट ऑफ सेल, ठीक है जी। तो यहां से कितना आ जाएगा, 8 - 6 2, 6 - 2 4, माइनस ऑफ एफ, और यहां से आ गया माइनस ऑफ एफ ई 3 नॉट ऑफ सेल। तो यहां से माइनस एफ कैंसल, अब आपके पास ई 3 नॉट ऑफ सेल आ जाएगा 0.42। इस बात का तुम लोग ध्यान रखोगे कि चाहे आपकी कैलकुलेशन किसी किसी क्वेश्चन में डायरेक्टली ठीक भी हो रही हो, ठीक है, यहाँ पे तो वैसे वो भी नहीं हो रही है, पर आपको हमेशा जब दो इक्वेशन को जोड़ तोड़ के थर्ड इक्वेशन बनानी है, तो वहां पे E1 E2 एडिटिव नहीं होते हैं। डेल्टा G1 आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकती है उसमें, ठीक है। इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज पढ़ते थे ना आप लोग, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना कि डेल्टा G1 G2 मतलब डेल्टा G कैन बी एडेड सब्ट्रैक्टेड। तो E की भी कैलकुलेशन के लिए पहले उन इक्वेशंस को आपको G में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सब इक्वेशंस के लिए G लिखो और लास्ट वाली रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए भी G लिखो, फिर उसमें जो रिलेशनशिप था तुम्हारा उससे आप कैलकुलेट करोगे ई नॉट ऑफ सेल। तो दिस इज अ करेक्ट आंसर, अदरवाइज अगर आप प्लस माइनस करके सीधा लगाया होगे तो वो गलत आंसर है। तो यहाँ तक भी क्वेश्चन आ चुका है इसमें, तो ये इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गई, ये क्वेश्चन करवाऊं तुम लोगों से, मैम करवा दो। मुश्किल तो नहीं लग रहा मैम है। हाँ बोलो, मैम आपने बोला था याद दिलाने के लिए सैलरी प्रेजेंटेशन, किसके लिए बेटा। सैलरी प्रेजेंटेशन याद कर, आपने बोला हाँ याद हाँ हाँ करा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी करवाती हूँ। इसका एक और क्वेश्चन करवाऊं या तुम्हें आ गया, बताओ जल्दी। मैम आगे वैसे एक डाल दो। एक तो ना तुम लोगों का जो वॉल्यूम बहुत स्लो है, मतलब करवा दूं एक मैम ना। करवा दो एक। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं भी यही चाह रही हूँ क्योंकि गड़बड़ ना हो जाए, भूल मत जाओ तुम लोग। अब ये पता है ऐसा क्वेश्चन आएगा या तो कॉपर में जिसमें 3 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, या आयरन में भी आ सकता है। अब तुम करना, ठीक है। ई नॉट ऑफ Fe3+2 Fe2+ की कैलकुलेशन करो तुम, ठीक है बच्चा। इसमें ना कुछ डाटा मैं दे रही हूँ, ये डाटा मैं हाइपोथेटिकल दे रही हूँ, हाइपोथेटिकल से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। तो तुम्हें पेपर में दिया मिलेगा, पेपर में आ जाएगा डाटा, तुम्हें कौन सा क्वेश्चन फ्रेम करना है वहां पे। ई नॉट ऑफ Fe3+2 Fe, बच्चा तुम लिख लो इसको, से दिस इज समथिंग लाइक 0.39 वोल्ट मान लो। ई नॉट ऑफ Fe2+2 Fe लिख लो बेटा 0.21 वोल्ट। चलो क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे बताओ मुझे क्या आएगा, मैं तुम्हें 1 मिनट दे दूँ। या फिर देखो पहले ध्यान से, इधर देखो, RE बनाओ, रिक्वायर्ड इक्वेशन बनाओ। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, Fe3+ प्लस एक इलेक्ट्रॉन ये खाएगा, तब ये Fe2+ में कन्वर्ट होगा। ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, सही बात है। अच्छा अब इस इक्वेशन से इक्वेशन बनाओ, Fe3+3 इलेक्ट्रॉन खा जाएगा और Fe में बदल जाएगा। ये बेटा सॉलिड है, ये एक्वस है, और ये फॉर्म है तुम्हारी E1 नॉट 0.39 वोल्ट। अब उसके बाद Fe2+ भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और Fe में बदल जाएगा सॉलिड स्टेट में, और इसमें E2 नॉट की वैल्यू है 0.21 वोल्ट। अब क्वेश्चन में मुझे Fe2+ दूसरी साइड पे चाहिए, तो इस इक्वेशन को रिवर्स कर दो, व्हाइट कलर से कर देते हैं। इस इक्वेशन को रिवर्स करेंगे तो Fe बन जाएगा Fe2+
प्लस टू इलेक्ट्रॉन, और इसका डाटा भी रिवर्स हो जाएगा, ई टू डैश अब बन जाएगा माइनस ऑफ 0.21 वोल्ट। अब ये वाली दो इक्वेशंस को ना ऐड कर लो, किन वाली को, व्हाइट कलर से टिक लगाया जिनको, इन दोनों को ऐड करोगे तुम तो बन जाएगा Fe3+, ये दोनों तो कैंसल हो गए, ठीक है, और 3 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन आपके इधर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और बन गया Fe2+। बताओ वही इक्वेशन बन गई ना जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी, यस नो? यस मैम। चलो अब इस इक्वेशन से पहले जाएंगे डेल्टा जी वन की कैलकुलेशन पे। माइनस ऑफ एन एफ ई नॉट ई वन नॉट ऑफ सेल, कितनी आएगी ये वैल्यू कौन बताएगा? एन की वैल्यू इस इक्वेशन में कितनी है? 3। माइनस ऑफ 3, एफ को भरना ही नहीं है। ई वन नॉट की वैल्यू कितनी है? 0.39, ठीक है। अब इस इक्वेशन से डेल्टा जी टू नॉट पे जाएंगे, कितनी वैल्यू आएगी? माइनस ऑफ एन टू एफ इन टू, इसकी वैल्यू है माइनस ऑफ 0.21, तो 0.42 एफ आ गया इसका, ठीक है, ठीक है, ये आ गया इसका माइनस में। 9 3 27, 2 3 3 9 2 11, ठीक है, 1 -1.17 वोल्ट। अब लास्ट में इक्वेशन बची तुम्हारी ये, इसके लिए डेल्टा जी थ्री नोट क्या हुआ? इसके लिए डेल्टा जी थ्री नोट हुआ, यहाँ पे स्पेस नहीं है, आगे ही करना पड़ेगा। चलो करते हैं फिर, डेल्टा जी थ्री नॉट हुआ माइनस ऑफ एन एफ, स्लाइड बैक करना है। हाँ हाँ मैं करती हूँ, एन एफ ई थ्री नॉट ऑफ सेल, मुझे भी चाहिए डाटा, रुको। अब जो लास्ट वाली स्लाइड है उसमें एन की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे वन है ना, थर्ड में एन वन है, और वो हमें कैलकुलेट करना है माइनस वन और एफ और ई थ्री नॉट सेल हमें कैलकुलेट करना है। अब जो थर्ड इक्वेशन है वो फर्स्ट टू को ऐड करके बनी है, डेल्टा जी वन नॉट प्लस डेल्टा जी टू नॉट। अब इन दोनों की वैल्यू रख देते हैं, डेल्टा जी थ्री नॉट की वैल्यू हुई माइनस ऑफ एफ ई थ्री नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू डेल्टा जी वन जी टू की वैल्यू, पिछली साइड से चेक कर लो, जी वन की वैल्यू आ गई -1.17 वोल्ट और उसकी वैल्यू आ गई -1.17 और 0.42 एफ, -1.17 एफ और 1.17 माइनस में एफ भी है और 0.42 प्लस में। बस अब इसको सॉल्व कर लो, 7 -2 5 आ गया, 11 -7 4 आ गया, ठीक है, 11 -4 7 और 0. कुछ ऐसे करके आ गया, ठीक है, और यहाँ पे आ गया माइनस ऑफ एफ ई थ्री नॉट ऑफ सेल, तो माइनस और माइनस कैंसल, एफ और एफ कैंसल, तो ई थ्री नॉट ऑफ सेल की वैल्यू आ गई 0.75 वोल्ट। इस तरह से ई थ्री नॉट सेल कैलकुलेट करते हैं। अब देख लो लास्ट वाली स्लाइड भी, और यहाँ पे पूछ लो कुछ यहाँ से दिक्कत है तो। मेरे कहने का मतलब है कि E की कैलकुलेशन के लिए भी तुम्हें G पे जाना पड़ेगा। ठीक है, एक तो ये बताना था तुम्हें, एक वो सेल रिप्रेजेंटेशन बतानी थी AgCl वाली। तो यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशन और नास्ट इक्वेशन की एप्लीकेशन, डेल्टा जी नॉट कैसे, डेल्टा जी से ई कैसे लाना है इक्वेशंस को ऐड सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। चलो फिर आगे क्लियर है तो। मान लो तुम्हें सेल रिप्रेजेंटेशन for the reversible cell, yes, sparingly soluble salt. Standard cell.
देखो तुम्हें ये आ गया एग्जाम में, ए जी सी एल गिव्स ए जी प्लस और सी एल नेगेटिव, और तुम्हें बोला कि इसके लिए ना ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिख दो, रिडक्शन हाफ सेल लिख दो, सेल इक्वेशन लिख दो, कैसे करो बताओ, किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है, जल्दी जल्दी बताओ। Ag की ऑक्सीडेशन हो रही है और Cl की रिडक्शन हो रही है। Ag भी चेंज नहीं हो रहा, Ag भी प्लस वन से प्लस वन नहीं है, Cl भी माइनस वन से माइनस वन नहीं है, तो कैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है? देखने में ऐसे नहीं लगता है कि कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है। Ag पहले भी प्लस वन था, अभी भी प्लस वन है, Cl पहले भी माइनस वन था, अभी भी माइनस वन है, तो इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो लग ही नहीं रही है। तो कई बार हमें ऐसे क्वेश्चंस देख के लगता है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन ही नहीं है, पर गलत है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। कई बार क्या होता है ना, इक्वेशन को जब हम कुछ कट कर देते हैं तो उसमें वो नेट इक्वेशन में विजिबल नहीं होता। ये सेल रिप्रेजेंट, ये सेल इक्वेशन है लास्ट, इसमें कुछ फैक्टर, कुछ आयन कट ऑफ हो गए हैं दोनों साइड जो नजर नहीं आ रहे। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पेपर में एड मेटल ओवर टू बोथ साइड करना है पहले तुम्हें, एड मेटल टू बोथ साइड्स, तब तुम्हारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एफ ए जी एड कर दो दोनों साइड, ए जी सी एल गिव्स ए जी प्लस प्लस सी एल नेगेटिव, अब करो क्वेश्चन सॉल्व। अब ए जी टू ए जी प्लस क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। ए जी टू ए जी प्लस देखा जाए तो क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, अब Ag प्लस टू Ag देखा जाए तो क्या हो रही है? रिडक्शन। तो पहले तो इसकी ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखो, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में सिर्फ हाफ पोर्शन ही लिखो, Ag टू Ag प्लस प्लस वन इलेक्ट्रॉन, खत्म, बस इसका काम यही तक है। रिडक्शन हाफ सेल लिखो, रिडक्शन हाफ सेल में तुम्हारा AgCl कन्वर्ट हो रहा है Ag में, मतलब ये प्लस वन है, ये जीरो में जा रहा है। ठीक है, रिडक्शन तो हो गई, पर ये काउंटर आयन एज इट इज रह रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये पहले भी ऐसे ही था, अभी भी ऐसे ही है। अब तुम देख लो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करके, तुम्हारी वही इक्वेशन बनेगी। देखो जरा, सिल्वर सिल्वर कट ऑफ नहीं हो जाएगा दोनों से, तो इक्वेशन तुम्हारी क्या बनेगी? ए जी सी एल गिव्स ए जी प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। ठीक है, तो ये एक्चुअली में ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल है इक्वेशन के, ध्यान से देख लो इक्वेशन को। दूसरी बात, ऐसी इक्वेशन की ना सेल रिप्रेजेंटेशन मुश्किल होती है करनी, तो ऐसी इक्वेशन की सेल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए मैं तुम्हें एक फॉर्मूला देती हूँ, मेटल सॉल्ट और द एनायन कंटेनिंग दैट सॉल्ट, सॉल्ट ब्रिज, एनायन सॉल्ट मेटल, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ये वाला पोर्शन एनोड का है, ये वाला पोर्शन है कैथोड का, कैथोड और एनोड का पोर्शन बिल्कुल एक दूसरे की मिरर इमेज है। अब देखो ध्यान से, एनोड पे मेटल क्या है? सिल्वर। एनोड पे कोई सॉल्ट है नहीं तो छोड़ दो, एनोड पे मेटल आयन एनायन कौन सा है? एजी प्लस। एनायन की जगह आयन कर लो, इधर कोई भी आयन हो सकता है। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज। अब दूसरी साइड एनायन, एनायन कौन सा है यहाँ पे? एनायन है सीएल नेगेटिव। साल्ट क्या है? AgCl। फिर क्या है? सिल्वर। तो पेपर में जब ये लिखा होता ना तो भी दिमाग घूम जाता है कि ये क्या है, थोड़ा सा ध्यान से चलेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जामिनर पूरी तरह करके आएगा तैयारी तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, तुम एग्जाम की तैयारी करके जाओगे वो तंग करने की तैयारी करके आएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। बाकी जब इसका डाटा छांटोगे ना, डाटा भी ध्यान से छांटना, इधर वाला कौन सा डाटा छांटोगे? इसको येलो कलर दे देते हैं, इधर के लिए डाटा ये वाला लिखना, येलो तो आया ही नहीं, ए जी प्लस टू ए जी, ये डाटा इसके लिए छांटना, तो इधर के लिए कौन सा डाटा छांटोगे बेटा? ए जी सी एल टू ए जी। ठीक है, तो ये तभी जहां छांट सकते हो इस सेल के लिए जब तुम्हें लिखना आता होगा ये सारा। एक बार इसको देख लो, फिर मैं इसका एक क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने के लिए भी देती हूँ।
डन। Okay, if you have done, then solve for this one. इसकी cell representation करके दिखाओ मुझे, मतलब half cell equation सब कुछ लिख के दिखाओ। चलो यही तुम्हारा poll question मान लो, solve करो इसके completely, I'm giving you time.
Yes, who is going to tell me the oxidation half cell quickly? Ma'am, Fe3 positive plus 3 electron. Correct. Reduction half cell. मैं इसमें थोड़ा सा confusion है. Confusion क्यों हो गया? Iron ही add किया दोनों side. Yes, ma'am. तो Fe2 Fe3 plus तो लिखवा दिया आपने. अब FeO H 3 plus 3 electrons gives Fe plus 3 OH ये है तो है? Yes ma'am. Cell equation तो लिखी हुई है ऊपर. FeOH thrice gives a cut के यही आ जाएगा cancel out होके. Cell representation कौन बताएगा? आप तो सब कुछ लिख दिया. Metal salt है नहीं, iron oblique anion salt और मेटल. अब चेक करो, तीनों आंसर लिख दिए मैंने, दो तीन चारों आंसर. और डाटा कौन कौन सा चेक करना है? इसके लिए चेक करोगे रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में Fe3 plus 2 Fe. इसके लिए चेक करोगे E naught of FeOH thrice to क्या बना भाई Fe. और ये डाटा भी सही ना चेक हुआ तो E naught of cell भी नहीं निकलेगा इसका. वैसे ये स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है, जितने भी स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट होते हैं उसकी E0 की वैल्यू, KSP की वैल्यू बहुत कम आती है, इवन के 10 की पावर माइनस में आता है आंसर. ये भी एक क्लू होता है चेक करने का क्वेश्चन. क्लियर हुआ? यस मैम. चलो वैसे तो चैप्टर कंप्लीट है, इसके साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में और कुछ भी नहीं है, पर फिर भी मैं आपको थोड़ा सा ना एलिमेंट्री आइडिया दे देती हूँ फैराडेज लॉ का. इसके भी क्वेश्चन है बीच बीच में, बट इसका एलिमेंट्री आइडिया ही है. आजकल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन नॉन्स्ट इक्वेशन से ही पूछता है. फैराडे के लॉ मतलब यू हैव बीन डूइंग सिंस 9th 10th. तो फैराडे के दो लॉ हैं. फर्स्ट लॉ क्या कहता है बेटा? फर्स्ट लॉ कहता है कि जब आप अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट द पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड, द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, ये फिजिक्स में पढ़े होंगे तुमने, डिपॉजिटेड एट द पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड, डिपॉजिटेड एट द पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इट. Is directly proportional to the, पता ही है ना Faraday's proportional to the quantity of electricity pass through it. तो बेटा क्या होता है ना कि इसमें से इलेक्ट्रोलाइसिस में पहले करंट पास करते हैं और उसके बाद केमिकल रिएक्शन होते हैं. तो कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा किसी इलेक्ट्रोड पे, दैट मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इट. क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इट को क्यू लिख लो, तो एम इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी. ये फर्स्ट लॉ से आता है. आई एम्पियर हो गया, टी आपका टाइम हो गया, चार्ज आ गया, ये इसके बराबर. तो एम इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी, तो ये फर्स्ट लॉ से आता है. अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट है कि फैराडेज लॉ में ना ये जो आपका 1 फैराडे था, 1 फैराडे हो गया आपका 96500 कूलम. कई बार एनसीईआरटी में भी चेक करना, ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि 1 मोल अगर आपको डिपॉजिट करना है ना, 1 मोल डिपॉजिट करने के लिए 1 फैराडे लगेगा. 1 फैराडे ऑफ द चार्ज इज रिक्वायर्ड, मतलब कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, 1 फैराडे. और कई बार न्यूमेरिकल ऐसा आ जाता है जैसे AlCl3 है. अब AlCl3 में एल्युमिनियम 3+ है, तो जब इसकी रिडक्शन होगी एल्युमिनियम 3+ 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तब 3F चार्ज लगेगा. ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है 1 मोल इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 3F लगेगा, 3 मोल हो गए इसके. ठीक है, तो 3 × F. तो इस तरह से आपको इक्वेशन से सिंपल कैलकुलेशन की जाती है कई बार. सेकेंड लॉ इसका क्या कहता है?
कि अगर दो डिफरेंट सॉल्यूशन है उनमें से सेम करंट पास कर रहे हो तो जो आपके पास, लिख देती हूँ मैं, ये हो गया आपका सेकंड लॉ. इफ द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाँ एक बात और, इसमें ये जो कांस्टेंट जेड है ना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सेल, इक्विवेलेंट, ठीक है. इफ द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास टू द डिफरेंट सॉल्यूशन, इफ द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास टू द डिफरेंट सॉल्यूशन इज पास थ्रू द डिफरेंट सॉल्यूशंस, देन अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट द पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड M1 by M2 is directly proportional to their chemical equivalents. मतलब ये E1 और E2 की रेशो के बराबर आएगा. अब M1 M2 क्या था, Z1 into Q था ना, IT सेम करंट पास हो रहा है सेम टाइम के लिए, Z2IT is equal to E1 by E2, यानी कि ये रेशो भी आपस में बराबर होता है, Z1 by Z2 is E1 by E2. E1 and E2 होता है आपका वो था इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ये है केमिकल इक्विवेलेंट, जिसको इक्विवेलेंट वेट बोलते हो, केमिकल इक्विवेलेंट, ये सेकंड लॉ है. तो ई एंड जेड आपस में डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, इससे आपको कैलकुलेशन कर सकते हो उसकी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या मास या चार्ज कुछ भी वो पूछ रहे थे. तो इसका एलिमेंट्री आइडिया है. अब इसमें एक बार क्वेश्चंस इसके देख लेना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास जब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में तो उसमें इसके कुछ कैलकुलेशन क्वेश्चंस ले लेंगे. अदरवाइज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज डन. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत आसान चैप्टर है, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है. इज दैट क्लियर बेटा? चलो जी, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे.